हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप रेलवे में सफर करते हैं तो आपको कभी ना कभी रेल द्वारा अपना लगेज, सामान या मोटरसाइकिल को बुक करने की आवश्यकता जरूर पड़ती होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम लगेज, अपना कोई भी पैकेट या सामान और मोटरसाइकिल वगैरह को किस तरीके से रेलवे में हम पार्सल में बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है। वह सब इस वीडियो में आज हम जानेंगे। मैं हूं दीपेंद्र, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कॉन्टेंट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। हम रेलवे में तीन तरह से सामान को बुक कराते हैं। नंबर एक, हम कहीं जा रहे हैं, अपना टिकट बुक किया और हमारे साथ 20-25 बैग हैं, यानी कि सामान बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी हम लगेज वाले डिब्बे में बुक करा सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर, हमने कोई सामान खरीदा कहीं से, सूरत से, या कहीं से साड़ियाँ खरीदी, या कोई ऐसा शहर जहाँ पर माल थोक में खरीदा और हमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश हमें माल ले जाना है ट्रेन द्वारा, इसको भी हम बुक करा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तीसरा, हमें मोटरसाइकिल यदि बुक करानी है किसी लंबे रूट की ट्रेन पर, किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए मोटरसाइकिल भेजना है तो उसका क्या नियम है, इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम। इसमें जो मोटरसाइकिल बुक होती है, आपकी बाइक बुक होती है, वह कैसे बुक की जाती है, इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं, आपकी गाड़ी के RC होना चाहिए, इसके बाद आपका जो बीमा रहता है गाड़ी का, वह गाड़ी का बीमा होना चाहिए इस समय प्रेजेंट टाइम में, इसके बाद आप जमा कर रहे हैं गाड़ी को, आपका आधार कार्ड की एक कॉपी लगेगी और जो रिसीव करेगा उसका भी आधार कार्ड चाहिए रहेगा। इसके बाद आप जब बुक करेंगे उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि फॉर्म मैं अभी आगे बताऊँगा उसको कैसे भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आप पार्सल वाले ऑफिस में अपनी बाइक को जमा करेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपकी बाइक में बिल्कुल भी एक बूंद भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए, आपको पूरा पेट्रोल पहले से ही कहीं निकाल कर रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी बाइक को वहां दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी बाइक को वहां पर पार्सल करवाना है, यानी उसको जो पन्नी में या बोरे में जो पैक करते हैं वह भी आपको ही करवाना पड़ेगा, कर्मचारी वहां मिल जाते हैं। फॉर्म को भरने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, इस रसीद को लेके आप पहुंचेंगे तो आपको यह आपकी बाइक दे दी जाएगी। दूसरा तरीका, आपको कोई पैकेट्स, बहुत सारा कोई सामान के पैकेट आपने बनवाए हैं, जिनको सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जिसमें आपकी साड़ियाँ हो सकती हैं या कोई खेल खिलौने वाले सामान भी हो सकते हैं, इनके बाकायदा पैकेट बनाएं और कहाँ आपको जाना है उस पर अंकित करें कि यह पैकेट इस जगह पर, इस स्टेशन पर उतरना है। इसके बाद इन पैकेटों का वजन होगा, वो इस वजन को आगे जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ उस फॉर्म में भरना है। इसके बाद आपके पास खरीदे हुए माल की पूरी रसीद होनी चाहिए, यानी GST वाला बिल होना आवश्यक है, वह भी आपके नाम से जिसने खरीदा है, और जो पार्सल कर रहा है उसका भी आधार कार्ड इसमें लगाया जाएगा। जिस स्थान पर यह सामान जा रहा है उस स्थान पर भी रिसीव करने के लिए आपके पास जो रसीद होती है वह होना आवश्यक है, इसके साथ आपका आधार कार्ड भी देखा जा सकता है। इस प्रकार आप कोई भी सामान लगेज में भिजवा सकते हैं, इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं हम पार्सल वाले फॉर्म को कैसे भरते हैं। यह फॉर्म हमें पार्सल विंडो पर फ्री में मिलता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, और इस फॉर्म को हम कैसे भरते हैं यह जानते हैं। तो यह फॉर्म है, आप देखेंगे, खतरनाक माल को छोड़कर जानवरों या सामान वस्तुओं के लिए अप्रेषण नोट, यह एक फॉर्म है, आपको यह वहां से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, दो पेज का रहता है, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ छपा रहता है। इसमें आप लिखेंगे स्टेशन मास्टर, किस स्टेशन से और कौन सा रेलवे है आपका, इंडियन रेलवे, NCR जो भी है, इस पर प्रेषित रेलवे स्टेशन के, यहाँ पर स्टेशन का नाम लिखेंगे जिस पे आप भेजना चाह रहे हैं, वह आप इसमें नाम लिखेंगे। इसके बाद अपना नाम, भेजने वाले का नाम लिखेंगे, आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे और वहाँ पर कौन पा रहा है इसे, कौन रिसीव करेगा उसका नाम लिखेंगे, उसका पूरा पता लिखेंगे, स्टेशन को किस स्टेशन पर उतरना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि वस्तुओं की संख्या कितनी है, 1, 2, 4, आप उसके लिए एक ही या 10 पैकेट हैं या जितने भी पैकेट हैं आप इस पर लिख सकते हैं, विवरण और निजी मार्ग, आप
इसमें आप विवरण लिखेंगे, बाइक है तो बाइक लिखेंगे, पैकेट है पैकेट, उसमें क्या सामान है वह है, आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि यह इसमें ज्वलनशील पदार्थ वगैरह आप नहीं भेज सकते हैं। भेजने वाले के अनुसार माल का भार, आप माल को आप तुलवा सकते हैं, जो कि वहां पर भी तराजू लगे रहते हैं, उनका क्विंटल और किलोग्राम में यहां पर आप लिख देंगे, और जितना भाड़ा लगेगा वह आपको वहां पर पार्सल ऑफिस में पता लग जाएगा कि 50 किलो 100 किलो के हिसाब से कितना पैसा लगता है। बस इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है, यह सब कर देंगे, आप जो है यहां पर अपने साइन करेंगे, इसके बाद बाकी सब फॉर्म वहां पर ही भरा जाएगा उनके द्वारा, जो कि रेलवे में बाबू रहते हैं उनके द्वारा। यह सारी डेट एट वगैरह ये सब जो लिखी हुई है, जिस गाड़ी में चढ़ाएंगे आप उसकी नोट संख्या, वजन संख्या द्वारा जिसने जांच किया है, यह सब इसमें भरेंगे। आपको सिर्फ इतना ही भरना है और आपका फॉर्म भर गया। इसके बाद आपका जो जिस गाड़ी में आपका सामान जाना है उस गाड़ी में आपका सामान भेज दिया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।